नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। स्मृति के बयान में महिषासुर मचा बवाल। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को जेएनयू से जुड़े मुद्दों पर सरकार की कार्रवाई का राज्यसभा में बचाव किया। स्मृति ने अपने जवाब में महिषासुर का जिक्र किया, जिस पर बवाल मच गया। स्मृति ने देवी दुर्गा के बारे में आरोपी छात्रों द्वारा जारी किए गए पर्चे का जिक्र किया तो विपक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति की तथा सदन की कार्रवाई उनके जवाब के बीच ही स्थगित कर दी गई। स्मृति ईरानी जेएनयू में कुछ छात्रों द्वारा महिषासुर शहीद दिवस मनाए जाने और उनसे जुड़े पर्चे का विस्तार से जिक्र कर रही थी। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने आपत्ति जताई कि इस प्रकार की अपमानजनक भाषा को यहां पढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पाक को F-16 की बिक्री के खिलाफ अमेरिका में प्रस्ताव। पाकिस्तान के साथ एक हथियार समझौते पर कांग्रेस की असहमति व्यक्त करने के लिए एक शीर्ष अमेरिकी सांसद ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक संयुक्त प्रस्ताव पेश किया है। इस समझौते में पाकिस्तान को परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम 8 F-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री की बात भी शामिल है। दाना रोहचा बाचेर ने सदन में प्रस्ताव पेश करने के बाद कहा कि पाकिस्तान सरकार अमेरिका की ओर से दिए गए हथियारों का इस्तेमाल अपने ही नागरिकों, खासकर बलूचिस्तान के लोगों का दमन करने में कर रही है। अफजल गुरु मामले में फैसला शायद सही नहीं था, चिदंबरम ने कहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमले में अफजल की संलिप्तता पर संदेह है और शायद इस मामले में ठीक ढंग से फैसला नहीं लिया गया। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए गए साक्षात्कार में चिदंबरम ने कहा कि वर्ष 2001 में संसद पर हुए हमले में अफजल की भूमिका पर संदेह है। अफजल को संपर्क सरकार के कार्यकाल के दौरान फांसी दी गई थी। चिदंबरम उस वक्त गृह मंत्री थे जब अफजल की दया याचिका खारिज कर दी गई थी। कांग्रेस ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शीर्ष न्यायालय का फैसला अंतिम न्यायिक आदेश है, उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।